अब बात करेंगे सर विप्रो की। विप्रो आईटी का शेयर और आपको ज़्यादा गिरावट के साथ आपको विप्रो देखने को मिल रहा है। जहां सबकी नज़र विप्रो में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की है, तो वहीं पर मैंने इसके जो पहले ही आपको बता दिया था कि ये गिरावट के सिलसिलों में रहेगा। लेकिन जिस तरीके से विप्रो अपनी रणनीति को आगे बढ़ा रहा है और चार वैश्विक व्यापार लाइनों में वो सेवा फिर से शुरू करने की पेशकश बना रहा है, जिसमें क्लाउड में, परामर्श में, इंजीनियरिंग में इस तरीके की ये सेवा फिर से पुनर्गठित करने की योजना विप्रो बना रहा है। और कहीं ना कहीं ये आगे जाकर 5G में के लिए भी सेवा प्रदान करेगा, जिसके अंदर ये AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए भी वर्क करेगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा जरूरत नेटवर्क के क्षेत्र में बन रही है। तो यहाँ पर ये अपनी वैश्विक चार लाइनों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा रहा है और व्यापार को और ज़्यादा दूसरे के अच्छे व्यापार को करने के लिए ये फिर से मनसा को पुनर्गठित करने वाला है। तो यहाँ से विप्रो जो है अपने वैश्विक व्यापार को ज़्यादा बढ़ाने की मनसा में लग गया है और कहीं ना कहीं आगे की दिशा विप्रो हमें अच्छी दिखा रहा है। लेकिन अगर आपको पता लग जाए कि विप्रो दोबारा से ये काम करने की मंशा बना चुका है, तो इसके अंदर थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन अगर यही शेयर हम होल्ड करके रख देते हैं, क्योंकि सर देखो गिरावट हर शेयर में हो गई, मैं आपको हर बार बता के चला हूं, और उस शेयर में गिरावट हो जाए जो शेयर आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, फिर तो आप गिरावट से शेयर को देख रहे हो, फिर उसके अंदर हमें कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो यहाँ पर अगर आपको विप्रो अच्छा लग रहा है तो यहाँ से होल्ड करने वाली दिशा बन रहे हैं सर। तो 450 रुपये तक के टारगेट आपको जल्दी से ये दिखाने के लिए भी तैयार हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर आपका दिल कितना मजबूत है, आप वो टारगेट के लिए काम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, या आपको विप्रो के बारे में पता है नहीं पता है कि ये कितनी तरीके से आपको आगे की बढ़ने की संभावना को जागृत कर रहा है। तो हर चीज़ को अपने द्वारा बना लीजिए, और जहाँ आपने इस तरीके के शेयर को पोर्टफोलियो में सजा के रखा, सर देखो गिरावट तो हर शेयर में आई है, मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन इसकी मंशा देखिए, ये दोबारे से हर वैश्विक व्यापार लाइनों में सेवा की पेशकश को फिर से शुरू करने के लिए ये मन बना चुका है, जो जल्दी से ये शुरू करने वाला है। तो यहाँ पर ये एक अच्छी दिशा आपको दिखा रहा है।